तो वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने गोविंदगढ़ अलवर यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम एक ट्रेन जर्नी करेंगे, तो इसलिए वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए बिना किसी रुकावट के वीडियो चालू करते हैं। वेलकम गाइस, मैं गोपाला सोनी और ये मेरे साथ शुभम। आज हम आपको जर्नी कराएंगे। कोरोना के बाद पहली बार चालू हो रही है जो ट्रेन 04173 मथुरा जयपुर पैसेंजर। तो आज हम आपको उसकी जर्नी कराने वाले हैं। आप पूरे बने रहिए चैनल पर, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो ज़रूर पूरी देखें। और हम आपको हर स्टेशन की जो वर्तमान स्थिति है, जो फुटफॉल है वहाँ का, सबको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल। बात ये है कि आज हम इस वीडियो को 9:16 के वीडियो मोड पर दिखाने वाले हैं। अगर हम जैसे 16:9 के करते तो ये वीडियो इस प्रकार रहता, लेकिन हम आज इस प्रकार आपको वीडियो दिखाएंगे और हम देखेंगे भी क्या इस प्रकार। आपने जर्नी नहीं देखी होगी शायद, अधिकतर सब लोग 16:9 पे करते हैं, पर आज देखेंगे इस तरह मोबाइल को रखा जाए तो क्या क्या परेशानियाँ आती हैं ट्रेन में जर्नी दिखाने में कुछ। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और हम अब टिकट लेकर निकलते हैं। ये हम इस टाइम पहुंच चुके हैं रेलवे फुटओवर ब्रिज पर। ये देखिए फुटओवर ब्रिज है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने का रास्ता है और इसमें आपको हम दिखाएंगे ऊपर चलकर। तो आप देख सकते हैं उत्तर मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आने वाला गोविंदगढ़ स्टेशन। और ये देखिए प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे यात्री आ रहे हैं। पुरानी हलचल का इंतज़ार है, पहले यहाँ इतनी भीड़ रहती थी कि टिकट लेने में भी नंबर नहीं आता था। और अब देखते हैं क्या माहौल है, अभी नीचे चलकर आपको दिखाएंगे। ये देखिए गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है मेन लाइन, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2। और यहाँ साइड से चलते हैं जब, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 और ये बाईपास लाइन और प्लेटफॉर्म नंबर 3, इन सभी का काम अभी रुका हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी अभी चालू नहीं है क्योंकि ये आगे यहाँ भूमि विवाद के कारण यहाँ काम रुका हुआ है। यहाँ ये टाइम टेबल है गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का और ये टिकट काउंटर, ये बाहर रिक्शा वगैरह आपको मिल रहे हैं। और ये देखिए गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन, ये यहाँ एक तरह से जो ये ट्रैक पर बेचने वाली रोड़ियाँ होती हैं, इनकी सप्लाई की जाती है, यहाँ से मालगाड़ियों को लोड किया जाता है। ये गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर याद है, ये भी एक तरह से बाईपास लाइन ही है जो मालगाड़ियों के लिए बनी है। और ये हम यहाँ अपनी टिकट ले चुके हैं गोविंदगढ़ से अलवर, और ये फर्स्ट जर्नी है हमारी। और ये देखिए काफ़ी अच्छा यात्री भार है, पहले दिन। और हम सोच रहे हैं किधर से बोर्ड करें, तो आपको इस स्टेशन के बारे में बता देते हैं। गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का पर डे यात्री भार 871 यात्री है जो कोरोना में है। और अब ये ट्रेन चल गई तो इससे पुरानी चहल पहल आ जाएगी सबरी, क्योंकि जितने लोग आप देखिए सुबह सुबह इतने लोग यहाँ से पहले दिन जर्नी कर रहे हैं। और ये देखिए मालगाड़ी लोड हो रही है साइड में। और देखा जाए तो कोरोना के पहले यहाँ का यात्री भार पर डे का 1672 था, पर जब कोरोना आया तो फिर इफ़ेक्ट पड़ा, यात्री भार पैसेंजर्स निकलना कम हो गए। और हम अब पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही हैं और ट्रेन का औरन आ चुका है, ट्रेन आने वाली है। फर्स्ट डे के दिन ये आज आ रही है, अपने फर्स्ट डे है इसका आज, स्पेशल नंबर से चलकर आ रही है। 22 महीने बाद गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर आ रही है ये ट्रेन। तो हम दिखाएंगे आपको पूरी जर्नी गोविंदगढ़ से अलवर तक की, तो आप बने रहिए बस चैनल पर। और ये देखिए लूप लाइन पर घुस चुकी है ट्रेन सामने से, और ये पहली बार आज अपने इलेक्ट्रिक इंजन के साथ आई है, नहीं तो इससे पहले ये डीजल लोको से ही आती थी। और आज पहली बार इलेक्ट्रिक लोको से आज गोविंदगढ़ स्टेशन पर आई है 22 महीने बाद।
और ये देखिए काफ़ी हलचल स्टेशन पर दौड़ी है सुबह सुबह, और ज़रूर दौड़ेगी। पहला पहला दिन है, फिर भी कम है आज, और नहीं तो इस स्टेशन पर इतनी भीड़ होती है। अमूमन 500,000 यात्री इस ट्रेन से सुबह सुबह बोर्डिंग करते हैं। और ये जयपुर मथुरा, जयपुर मथुरा पैसेंजर यहाँ गोविंदगढ़ स्टेशन पर आगमन देती है। ये देखिए बिल्कुल अभी तो इसमें कुछ भी यात्री बाहर भी नहीं है। हम यहाँ बैठ चुके हैं और ये ट्रेन गोविंदगढ़ स्टेशन पर खड़ी है इस टाइम, और ये ज़रूर सब लोग बोर्डिंग हो चुके हैं। और ये ट्रेन रवानगी लेती हुई ये ड्राइवर साहब हरी झंडी दिखाते हुए, ये देखिए मालगाड़ी, यहाँ देखिए जेसीबी इन्हें लोड कर रही है मालगाड़ियों को। पूरे अलवर मथुरा रूट का जो ट्रैक पर बिछने वाली रोडिया का स्टॉक है वो सब यहीं है। देखिए और ये रेलवे का यार्ड जो है ख़त्म होता हुआ, और ये देखिए दोस्तों ये जो दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे जो 8 लाइन का बन रहा है, ये देखिए गोविंदगढ़ से मात्र 8 किलोमीटर दूर, और ये देखिए अपनी रफ्तार पकड़ती मथुरा जयपुर पैसेंजर इसको पीछे छोड़ती हुई। और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से मुंबई 11 घंटे में पहुँचा देगा। ये अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, पर बिल्कुल लगभग इस पर साधन जाने लग गए। और ये देखिए 100 की रफ्तार पकड़ती हुई अपनी, और जाडोली के पास स्टेशन आने वाला है अभी कुछ ही समय में। और ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जाडोली के पास रेलवे स्टेशन पर, यहाँ से देखेंगे। और यहाँ 4-5 यात्री हैं, यहाँ से भी कोई खास यात्री वार नहीं है, फिर भी 4-5 यात्री हैं। और जाडोली के पास रेलवे स्टेशन आ चुका है। हम पहुंच चुके हैं जाडोली के पास रेलवे स्टेशन। ये जाडोली के पास रेलवे स्टेशन, यहाँ करीब 7-8 लोगों ने बोर्डिंग की है इस ट्रेन से मथुरा जयपुर। पहली बार आज 22 महीने बाद आई है हम जाडोली के पास रेलवे स्टेशन पर, और ये बस चलने की तैयारी में ही है, और ये चल चुके हैं हमारी ट्रेन। ठीक है, जाडोली के पास रेलवे स्टेशन, यहाँ का फुटफॉल देखें तो हम 209 है, और अगर कोरोना से पहले की बात करें तो 317 फुटफॉल है इस स्टेशन का, और औसतन जो फुटफॉल है वो करीब पर ट्रेन से 45 यात्री है।
पर आज पहली बार चली है तो हो सकता है लोगों को पता नहीं होगा, पर बहुत ही ज़्यादा कम यात्री बाहर लोकल एरिया का ये स्टेशन है और दो प्लेटफॉर्म रखता है, 20 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, एक टिकट काउंटर है और प्रतीक्षालय यहाँ नहीं। आपको आज अब कोच का हाल दिखा देते हैं, हमारे का कुछ खास भीड़ नहीं है। पूरे कोच में, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा है। इतने दिनों बाद आई है ट्रेन, लेकिन हाँ ये धुलकर भी आई है। देखिए सीट्स वगैरह गीली हो रही हैं। देखिए देखिए पूरी ट्रेन घुल कर आई है, लेकिन लोग बाग ने चढ़कर गंदगी हो गई है यहाँ। और ये पूरा कोच ये खाली हुआ है, बिल्कुल खाली है, और उस वाले में बस लास्ट 20 यात्री हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से भी 10-15 पैसेंजर्स हैं यात्री जिन्हें रामगढ़ से यात्रा कर। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं रामगढ़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ सिग्नल हो गया है, ट्रेन चल रही है। यहाँ का जो यात्री बार है डेली का वो है 495, 500 लोगों का यात्री बार है यहाँ से एवरेज जो है, और कोरोना से पहले यहाँ 900 लोगों का यात्री बार था। तो ट्रेन बस चलने की संभावना है और चल चुकी है ट्रेन, और यहाँ एक वेटिंग रूम है और 20 बैठने की सीट्स हैं। और ये रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर काम चलाया जा रहा है, यहाँ जहाँ माल गाड़ियों को जो लोड है माल गाड़ियों का वो कम हो सकेगा, यहाँ जैसे जो माल गाड़ियों को हैंडओवर किया जा सकेगा एक तरह से, माल गाड़ियों से जो माल आएगा उन्हें यहाँ उतारा जाएगा और फिर यहाँ से सप्लाई किया जाएगा। इसलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ा दिया गया है, 2 नंबर वाली प्लेटफॉर्म की लंबाई को। और ये रामगढ़ से भी रवानगी लेते हुए मथुरा जयपुर पैसेंजर, और ये देखिए 100 की रफ्तार पर अपना दम दिखाती हुई मथुरा जयपुर पैसेंजर आज पहले दिन। और ये फिक्स 10 बजे यहाँ आई है मथुरा जयपुर पैसेंजर। कुछ खास यात्री बार नहीं, 3-4 यात्री यहाँ से भी बोर्ड होंगे, बाकी तो वेंडर्स हैं यहाँ से
पर 3-4 यात्री यहाँ से बोर्ड होंगे बस। और ये ऊंटवाड़ और ऊंटवाड़ स्टेशन से रवानगी लेती हमारी ट्रेन। इस स्टेशन का फुटफॉल देखें तो प्रतिदिन का फुटफॉल 209 यात्री का है, और फिर भी आज यहाँ से 3-4 यात्री चढ़े हैं। 2 प्लेटफॉर्म है इस स्टेशन पर। NSG 6E कैटेगरी का ये स्टेशन है जो उत्तर मध्य रेलवे में ही आता है, और इससे अगला स्टेशन होगा हमारा गाजी का रेलवे स्टेशन। ये अलवर मथुरा रेलखंड है पूरा, और हमारी ट्रेन अब ऊंटवाड़ को हरी झंडी दिखाते हुए निकलती हुई यहाँ से। ऊंटवाड़ स्टेशन की हम बात करें तो यहाँ बैठने की कैपेसिटी है 10 शेड लगी हुई हैं, जिनमें 20 चेयर्स लगी हुई हैं, और यहाँ 3 टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, वेटिंग हॉल नहीं है, और 2 प्लेटफॉर्म हैं यहाँ। ये देखिए अब रफ्तार पकड़ रही है अपनी ट्रेन। सेकंड लूप लाइन पर ट्रेन गई है और गाजी का रेलवे स्टेशन आता हुआ। तैयार खड़ी है मथुरा भिवानी पैसेंजर जाने के लिए, और मथुरा भिवानी पैसेंजर यहाँ गाजी का रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। ये अब गोविंदगढ़, रामगढ़ गोविंदगढ़ होते हुए मथुरा जाएगी, भिवानी से चलकर आ रही है ये भी, और यहाँ इसकी वेटिंग कर रही है मथुरा जयपुर पैसेंजर की कि कब ये आए और कब मैं जाऊँ। भिवानी मथुरा काफ़ी यात्री भार रखने वाली ये ट्रेन है, और ये आज पहले दिन काफ़ी महीनों बाद इनका मिलान हुआ है, आज आपस में मुलाकात काफ़ी महीनों बाद हुई है इनकी। और ये गाजी का रेलवे स्टेशन है, जैसा कि हम आपको बता दें, वर्तमान में खबर आई है अभी बजट में कि यहाँ अलवर का सैटेलाइट स्टेशन गाजी का को बनाया जाएगा। अलवर आता है उत्तर पश्चिम रेलवे में और ये आता है उत्तर मध्य रेलवे में। तो यहाँ आज दोनों ट्रेन काफ़ी दिन बाद मिली है, और ये सामने खड़ी है मथुरा भिवानी मथुरा। और ये हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकल चुकी है, और यहाँ गाजी का रेलवे स्टेशन जल्दी ही, यहाँ खबर आई है इस बार बजट में ही कि यहाँ वॉशिंग लाइन बनाई जाएगी और अलवर का इसे सैटेलाइट स्टेशन बनाया जाएगा, जैसे कि भिवानी मथुरा स्पेशल ट्रेन है, मथुरा जयपुर स्पेशल ट्रेन है, मथुरा अलवर स्पेशल ट्रेन है, उनकी यहाँ धुलाई की जाएगी और कई गाड़ियों को बढ़ाया जाएगा जिनकी रात में यहाँ धुलाई की जा सके। और ये देखिए रवानगी लेती दोनों ट्रेनें। काफ़ी दिनों बाद आज इन दोनों ट्रेनों को एक साथ देखने का मौका मिला है। और ये गाजी का रेलवे स्टेशन, ये NSG 6 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, और H इसकी श्रेणी में आता है, और अभी यहाँ का प्लेटफॉर्म भी नीचा है, RU फुट ओवर ब्रिज भी नहीं है, तो यहाँ अभी कुछ काफ़ी कमी है, काम होना है यहाँ काफ़ी रेलवे द्वारा। और यहाँ गाजी का रेलवे स्टेशन से निकलती हुई हमारी ट्रेन। और इस ट्रेन का यहाँ गाजी का रेलवे स्टेशन पर 9:56 से चलने का टाइम था, जो ये ट्रेन 10:11 पर गाजी का रेलवे स्टेशन से निकली है। ये ट्रेन अपनी निर्धारित समय से 15 मिनट लेट है।
यहाँ कल क्या हो जिसने जाना। बारह डिब्बों की ट्रेन है जिसमें से 10 अनरिवर्स कोच हैं और 2 SLR कोच हैं जो गार्ड के डिब्बे होते हैं। और ये देखें माल गोदाम को पार कर चुकी है हमारी ट्रेन और अब यहाँ से 15 की स्पीड तक अलवर जंक्शन से जाएगी। 15 की स्पीड पर ही चलेगी क्योंकि यहाँ लिमिट लगी हुई है जो रेलवे बोर्ड द्वारा। तो देखिए सामने लिमिट लगी आ गई है 15। गाइज अलवर जंक्शन आ चुका है। बस उत्तर मध्य रेलवे का ये कोच है इसलिए यहाँ उत्तर मध्य रेलवे का टैग लगा हुआ है। और यहाँ अलवर शहर और ये दाऊदपुर फाटक और ये दाऊदपुर फाटक से निकली आज 22 महीने बाद जयपुर मथुरा पैसेंजर और बस अलवर की जंक्शन की ओर बढ़ती हुई रुकने के लिए बेताब होती हुई है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एंट्री कर चुकी है हमारी अलवर मथुरा जयपुर पैसेंजर। अलवर आ चुकी है अभी अलवर के रास्ते बांदीकुई दौसा होती हुई जयपुर जंक्शन तक जाएगी फिर वहाँ से 3:05 पर रिटर्न होकर और अलवर जंक्शन रात को 7:20 पर अलवर जंक्शन आएगी और रात को 8:20 पर गोविंदगढ़ पहुँचाएगी। तो ये देखिए अलवर जंक्शन आ चुके हैं और काफ़ी यात्री भार लग रहा है, काफ़ी अच्छा यात्री भार है अलवर जंक्शन से आज पहले दिन। बहुत अच्छा यात्री भार काफ़ी भीड़ है यहाँ।
10:30 पर आज अलवर जंक्शन आई है और काफ़ी अच्छी भीड़ है प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और जल्दी उम्मीद है अब तो पुरानी हलचल लौट जाएगी इस ट्रेन से। दोस्तों हम आ चुके हैं अलवर जंक्शन पर, 10:30 पर हम उस ट्रेन से उतर चुके हैं अलवर जंक्शन। और आज ये 22 महीने बाद इस स्टेशन पर आई है अलवर मथुरा जयपुर स्पेशल ट्रेन। और अपने निर्धारित समय से ये 15 लेट इस जंक्शन पर आई है। और अलवर जंक्शन की बात करें तो यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है, प्रतिदिन 26,000 फुटफॉल है, 26,000 यात्री बार रखता है स्टेशन। और यहाँ से भी रवानगी ले चुके, मात्र 2 रुकी है ये ट्रेन इस स्टेशन पर, और क्योंकि लेट है इस ट्रेन और 2 रुक कर रवानगी ले चुके हैं ट्रेन में, हॉर्न मार दिया है और जल्दी चलती हुई है। अलवर जंक्शन की बात करें तो 3 प्लेटफॉर्म यहाँ इस समय है और चौथे प्लेटफॉर्म को भी बजट मिल चुका है। सेकंड एंट्री गेट भी यहाँ बनाया जाएगा, वॉशिंग स्टेशन यहाँ का गाजी का रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा। और अलवर पहुँच चुकी है और ये रवानगी भी लेती है यहाँ से ट्रेन, और ये अपना सेकंड हॉर्न मारते हुए और ये निकलती हुई यहाँ से ट्रेन 10:33 पर अलवर जंक्शन को छोड़ती हुई ट्रेन। हालांकि इसका 5 का होल्ड था, लेकिन हो सकता है रेलवे बोर्ड ने, ट्रेन लेट चल रही है इस वजह से 5 का होल्ड ना दिया हो। और यहाँ से निकलती हुई ये ट्रेन, अलवर को मत्स्य नगर के नाम से भी जाना जाता है, मत्स्य नगर। और यहाँ से निकलती हुई, लेकिन अभी ट्रेन पर नाम नहीं लिखा है कहीं भी कि मथुरा जयपुर स्पेशल। और ये अलवर जंक्शन के 2 प्लेटफॉर्म को छोड़ती हुई मथुरा जयपुर ट्रेन 22 महीने बाद इस आगमन पर। और ये जो गुड्स लाइन पर खड़ी है जो मालगाड़ी, ये भी रवानगी लेती हुई। अलवर जंक्शन, सुबह सुबह का नज़ारा। और ये हम अलवर जंक्शन से बाहर आ चुके हैं, तो गाइस ओके बाय। और अब हम इस जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं वीडियो एंड करने वाला हूँ अब बस। ये अलवर जंक्शन, हम फ्रंट पर खड़े हैं गेट पर, और अब हम यहाँ से अपने जो भी हमारा डिस्टेंशन है वहाँ पर हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद है मैं जल्दी ऐसी और वीडियोस भी डालूँगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस। यहाँ कल क्या हो जिसने जाना।